नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम 11th क्लास के चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड में तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के कुछ MCQs लेकर आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता था ए यूरोप का क्षेत्र, बी एशिया का क्षेत्र, सी उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपायरस क्या था? पेपायरस क्या था? ए पत्थर, बी पौधा, सी नदी और डी ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा पौधा, क्योंकि पेपायरस जो था एक पौधा था। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी पुस्तक, लिपि, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, यानी कि जो हाथ से पुस्तक लिखी जाती थी वो पांडुलिपि कहलाती थी। और ऐसा पहले के ज़माने में होता था, जो राजा महाराजा थे ये सारी पुस्तक जो है हाथ से लिखी जाती थी और फिर ये पांडुलिपि कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है इसका, रोम और के लोग आपस में प्रतिद्वंद्वी थे या आपस में लड़ते रहते थे, तो कौन थे? ए मिस्र थे, बी इराक थे, सी ईरान थे या फिर डी जॉर्डन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ईरान थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? ए लाल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी भूमध्य सागर और डी काला सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, भूमध्य सागर। रोमन साम्राज्य का हृदय के रूप में भूमध्य सागर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा गया है? सीनेट, प्रिंसिपेट, सी टीसीफून और डीन में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट जो है अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में एक राज्य स्थापित किया था और उसे प्रिंसिपेट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें डैश वर्ग को शामिल किया गया था। ए कुलीन वर्ग को, बी अभिजात वर्ग को, सी जमींदार वर्ग को और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभिजात वर्ग होगा, यानी कि आंसर नंबर बी। अभिजात वर्ग से मतलब होता है जो धनी परिवार होते हैं या धनी लोग होते हैं उन्हें अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनारियस क्या था? दिनारियस जो था, दिनारियस जो है एक सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, चांदी का सिक्का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? ए अगस्टस, बी टिबेरियस, सी गैलिनस और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, गैलिनस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ए सम्राट, बी अभिजात वर्ग, सी सेना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ईरान में सासानी वंश कब उभर कर सामने आया? ए 100 ईस्वी में, बी 200 ईस्वी, सी 225 ईस्वी और डी 300 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 225 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी ए एकल परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो रोमन साम्राज्य की जो आधुनिक विशेषता थी वो एकल परिवार की थी। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? ए यातायात का साधन, बी मटके या कंटेनर,
सी लेखन सामग्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, मटके या कंटेनर। अगला क्वेश्चन है, रोम में मोंटी टेस्ट क्यों स्थल पर लगभग से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। ए 2 करोड़, बी 3 करोड़, सी 4 करोड़ और डी 5 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी यानी कि 5 करोड़ होगा, और यहाँ पर 5 करोड़ मटकों के अवशेष मिले हुए हैं। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे। ए बेबीलोन, बी एथेंस, सी मकदूनिया और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, मकदूनिया। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। ए 1 शताब्दी ईस्वी में, बी 2 शताब्दी ईस्वी में, सी 3 शताब्दी ईस्वी और डी 4 शताब्दी ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 4 शताब्दी ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म सम्राट किस सम्राट ने बनाया था। ए अगस्टस, बी टिबेरियस, सी गैलिनस और डी कॉन्स्टेंटिन ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, कॉन्स्टेंटिन ने। अगला क्वेश्चन है, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था। ए 140 दिन, बी 156 दिन, सी 176 दिन और डी 186 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 176 दिन। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का दिनारियस का वजन कितने ग्राम था। ए 1 ग्राम, बी 2 ग्राम, सी 3.5 ग्राम एंड डी 4.5 ग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा 4.5 ग्राम होगा। स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था जैतून का तेल, शराब, धातु इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जैतून का तेल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 20 क्वेश्चंस हैं, आप भी करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए। तब तक के लिए।